कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसका क्या रोल है। सामा भाई आप साथ हैं, आवाज आ रही है आपको? राव उसामा भाई आपने ज्वाइन कर लिया गायब है। नंदलेस व्हाट हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशंस, तो कौन बंदा ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करता है ये हमने देखना है, इसको कंसिडर करना है। तो सबसे पहली कहानी शुरू कहाँ से होती है कि आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉयर पार्टी है, राइट? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर किसे कहते हैं आमिर भाई? कंपनी को सर, कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं एम्प्लॉयर का वर्ड कहता हूँ इसका मतलब है मैं कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। और बीइंग अ कंपनी, बीइंग एन एम्प्लॉयर, क्या जिम्मेदारियां होती हैं एम्प्लॉयर की? हमने पढ़ी थी जी कल हमने ये पढ़ी थी। मैं सर इसमें बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले तो जिस तरह वर्कर की वेलफेयर के मुतलक है, ठीक हो गया सर। उसके बाद ये वेलफेयर के बाद साइड वर्क के लिए वर्कर की पीपी है, ठीक है। पीपी भी आपने बताया था, मतलब हमने पढ़ा था कि पीपी भी जो कंपनी दे रही है वो विदाउट चार्जेस हो, ठीक हो गया सर। और दूसरा सर, मतलब कंपनी जो वर्कर को दे रही है टूल्स वगैरह दे रही है प्रोवाइड करके आया कि वो टूल्स इंस्पेक्टेड है, ठीक है। और उसके अलावा सर फर्स्ट एड की फैसिलिटीज दे रही है, ये जिम्मेदारी है कंपनी की। और उसके अलावा सर जिस वर्क प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब के एचएससी का डिपार्टमेंट को उसकी इतला है, मतलब के जहाँ पे वो काम चल रहा है वो परमिट टू वर्क है, ठीक हो गया सर। और दूसरा सर ये वर्कर को अपना ट्रेनिंग देने के मतलब है, मतलब ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी ये एम्प्लॉय के अंदर आती है। सही है उसामा भाई, आप कुछ ऐड करेंगे? सर दोबारा पूछे क्योंकि मेरा नेट डिसकनेक्ट हो गया था, दोबारा जी कनेक्ट हुआ था। मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयर पार्टी। कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या जिम्मेदारी कंपनी की? कंपनी की जिम्मेदारियां जरिए आपने जो कल हमने डिस्कस किया था वही वेलफेयर फैसिलिटीज आ गई हैं, और क्या कहते हैं सेफ इक्विपमेंट्स एंड टूल्स प्रोवाइड करना प्रॉपर तौर पे, यानी कि वो जो आईआईटीएस हो गया वो प्रॉपर तौर पे उनको देना। दूसरा ये कि पीपीज वगैरह से ये हो गया, बाकी के नॉलेज उनको देना कि अपना भी ख्याल रखना है दूसरों का भी ख्याल रखना है। पर जो यानी कि हम जैसे मिसाल के तौर पर क्लाइंट के साथ काम करें जो उनका एरिया उनकी प्रमिसेस है उसको भी सेफ रखना है, डैमेज नहीं करना, एनवायरनमेंट को भी डैमेज नहीं करना, और ये कि अपने यानी कि अपने किसी एक्ट से किसी दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। सही हो तो हमें ये बात में समझ में आती है कि एम्प्लॉयर, पहले एम्प्लॉयर देखते हैं, एम्प्लॉयर की ये प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ बता रहे हैं कि एम्प्लॉयर इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज पीपल, यानी जो लोगों को हायर करती है, राइट? जो लोगों को हायर करके उनको कंपनी को डायरेक्शन देती है, जो कंपनी का विजन सेलेक्ट करती है कि कंपनी ने क्या काम करना है। ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी के। अगर कोई मैं किसी को एम्प्लॉयर कहता हूँ तो एम्प्लॉयर का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक बंदा है जो कंपनी को चला रहा है, ठीक है। ये पूरी कॉर्पोरेट बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, उसमें एक बंदा भी हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ पीपल जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में होते हैं वो भी हो सकते हैं। अब कोई भी इशू आता है, अगर कोई लीगल इशू आते हैं तो कंपनी को रिप्रेजेंटेशन जो भी कर रहा होगा टॉप मैनेजमेंट का बंदा, उसके खिलाफ केस होगा या कंपनी के खिलाफ केस होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमने देखा कि कन्वेंशन रिकमेंडेशन में जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वर्कर की सेफ्टी के हवाले से जितने भी इकदाम करने होते हैं, जिसमें प्रॉपर पीपी प्रोवाइड करना, जो मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना कि दैट इट इज सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। हमने ये देखना है कि अगर कोई काम हो रहा है तो उस काम के दौरान वेलफेयर फैसिलिटीज क्या प्रॉपर अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलफेयर वर्कर्स को, क्या वहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग सुपरविजन वर्कर को दी जाती है काम से मुतल्लिक, ठीक है, सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है कि नहीं। तो इस तरह के हमने पॉइंट देखे थे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, लेजिस्लेशन को, कानून को फॉलो करना, ये सब एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। लेकिन आपको भी पता है कि एक कोई भी बड़ी कंपनी है वो विदाउट ऑर्गेनाइजेशन या विदाउट देयर मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। एक बंदा तो कंपनी नहीं चलाता ना, या एक कंपनी किसी ने एक बंदे ने अगर स्टार्ट किया अपने विजन से तो उसको कोई मैनेजमेंट चाहिए जो उसको चला रही होगी, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट चाहिए जिससे वो कंसल्ट करेगा, आइडियाज लेगा, जिससे
कंपनी का एक मैक्रो विजन और फिर एक माइक्रो विजन वो डिस्क्राइब करेंगे, बड़े लेवल पे कंपनी क्या काम करेगी और फिर आगे जाके कंपनी क्या काम करेगी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एम्प्लॉयर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना, ठीक है, जिसमें कोई भी अगर साइट पे आता है, सिर्फ वर्कर्स नहीं है, विजिटर्स भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रेक्टर्स भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, जो भी बंदा काम करता है कंपनी में, उसकी सेहत की हिफाजत करना है, हेल्थ की हिफाजत करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉयर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉयर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें हमारे पास एक टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है और फिर लोअर मैनेजमेंट है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट का पार्ट आता है, जिसमें आपके पास मैक्रो लेवल पे डिसीजन मेकिंग होती है, फिर माइक्रो लेवल पे और फर्दर माइक्रो लेवल पे जाके आपके पास डिसीजन मेकिंग होती है। इससे मतलब क्या मेरा, आपकी जब कंपनी काम कर रही होती है तो टॉप में कुछ एमडी का वर्ड आपने सुना होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को चला रहे होते हैं, इनका काम विजन देना, इनका काम प्रोसीजर्स बनाना, इनका काम यह है कि कंपनी को डायरेक्शन देते हैं कि कंपनी क्या काम करेगी, प्रायोरिटी सेट करते हैं, बजट इनके हाथ में होता है, ठीक है, पैसा इनके हाथ में होता है, सिस्टम का सेटअप इनके हाथ में होता है सारा चलाना। लेकिन ये सिर्फ अपने एनुअल टारगेट्स सेट करते हैं कि हमने एक साल में क्या अचीव करना है, हमने पांच सालों में क्या अचीव करना है, दस सालों में क्या अचीव करना है, उसके लिए हमें क्या क्या इकदाम चाहिए, कितना बजट चाहिए, क्या प्रोसीजर चाहिए, एक्सेट्रा क्या इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए उनको लोअर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, राइट, लाइन मैनेजर वगैरह। अब जो लाइन मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स होते हैं वो डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का विजन है कि कंपनी ने जैसे एंग्रो कंपनी की एग्जांपल है, पाकिस्तान में आपने नाम सुना होगा एंग्रो का, ठीक है। तो एंग्रो कंपनी अभी फूड इंडस्ट्री में अब बहुत इन हो चुकी है, लेकिन आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं तो आपको नेस्ले आपकी पाकिस्तान की मार्केट में प्रोमिनेंट नजर आती होती थी। एक सी एग्जांपल ये है कि आप लोगों को पता है पहले ये मिल्क पैक वगैरह ही चलते होते थे, टेट्रा पैक जो दूध होते हैं, ठीक है। आजकल मार्केट में आपको ऑलपर्ड मिल्क नजर आता होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। आप लोग जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से गए हुए हैं उनको पता है कि मार्केट में ऑलपर्ड मिल्क ज्यादा नजर आ रहा है। अब एंग्रो ने क्या किया है, एंग्रो ने एक स्टैंडर्ड सेट किए, उसके लिए मैनेजमेंट बनाई, उन लॉन्ग टर्म टारगेट्स रखे कि हम ये टारगेट अचीव करेंगे, वो मैक्रो लेवल पे टारगेट रखे। लेकिन उसको माइक्रो लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए उनको डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए लोअर मैनेजमेंट चाहिए होती है, यानी प्रैक्टिकली काम को अमल दरामद करने के लिए, ठीक है। गॉट दिस पॉइंट, ठीक। तो आपके जो टॉप मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, टॉप में आपके एमडी या जो कंपनी से लाने वाला है जिसको सीईओ भी कहते हैं, डायरेक्टर्स लेवल पे काम जाके आपके सीनियर मैनेजर भी इन्हें कहते हैं, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को उसकी डायरेक्शन बताते हैं कि हाँ भाई हमने जो अपनी कंपनी बनाई है उसकी ये डायरेक्शन है, ये हम अचीव करना चाहते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये चीज है, तरजीह हम इसको देते हैं, सेकंड तरजीह हम इसे देंगे, थर्ड तरजीह हम इसे देंगे। उसके हवाले से काम ऐसे नहीं हो जाता, काम करने के लिए आपको प्रॉपर बजटिंग चाहिए, रिसोर्सिस चाहिए, पैसा चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए और फाइनेंशियल रिसोर्स भी चाहिए। तो आपको प्रॉपर रिसोर्सिस चाहिए एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और उस कंपनी को चलाने के लिए काबिल लोग चाहिए, कंपिटेंट लोग चाहिए जिनको उस काम के हवाले से नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी। आप एक काम है आपने अगर करना है, आप अपनी साइट वगैरह पे जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं साइट पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप किसी आप रेंडमली ये काम कह दो ना कि ये काम होना चाहिए कल, तो वो काम कभी भी नहीं होने लगा। आपको किसी ना किसी बंदे को जिम्मेदार ठहराना पड़ता है, या सुपरवाइजर्स को कहना पड़ता है, या किसी मैनेजर को कहना पड़ता है कि साइट पे ये इशू है, इस इशू को हमने एड्रेस करना है। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बताना, जिम्मेदारी किसी के कंधों पे डालना, बजाय इसके कि आप ओपन इशू छोड़ दो, ठीक है। तो यू हैव टू एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक। और ये जो टॉप मैनेजमेंट है इसकी ही जिम्मेदारी आती है जो भी लीगल इश्यूज होंगे उनको डील करना, किसी का कोई मसला हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडिविजुअल को इंजरी आ जाती है तो उसको कंपनसेशन देना, सब इन्हीं टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों में से है। जबकि आप मुझे बताएं ये टॉप मैनेजमेंट के आपके पास पॉइंट सामने भी हैं, थोड़ी हमने डिस्कशन भी कर ली है, ये अगर काम करी है तो मिडिल मैनेजमेंट क्या करेगी, व्हाट इज द रोल ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। राव भाई आप बताएं क्या रोल होगा मिडिल मैनेजमेंट का। सर मिडिल मैनेजमेंट
मैनेजमेंट जो यानी टारगेट वगैरह जो हमारे मैनेजर्स होंगे सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे, मिडिल मैनेजमेंट उनको एग्जीक्यूट करवाएगी सर। डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करेगी, सही। और इसके अलावा चले ऑपरेशनल मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करवाएगी फिर टारगेट, ठीक है, और चेक करती रहेगी कि हम कंपनी के टारगेट से अलाइन हैं कि नहीं है, कंपनी के जो मैक्रो गोल्स थे क्या हम उनकी तरफ जा रहे हैं, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो इसी को रिव्यू करेगी और अपने टारगेट से मैच करेगी कि what we have set in our targets, whether we are going to achieve it or whether we are lacking behind, कि क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे कि क्या अभी हमें और मेहनत करने की जरूरत है। ये मिडिल मैनेजर और सुपरवाइजर का आपको रोल आ गया, जिसको ये मिडिल मैनेजमेंट के नाम से बता रहे हैं। मिडिल मैनेजर एंड सुपरवाइजर इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशनल रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड विद इन द ऑपरेशन अंडर देयर कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो हर डिपार्टमेंट के लाइन मैनेजर्स रखेगी, ठीक है, यो या जूनियर मैनेजर भी आप इन्हें कह सकते हैं, लाइन मैनेजर रखेगी। हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो अपने डिपार्टमेंट के हवाले से रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने डिपार्टमेंट के हवाले से उससे जवाब तलबी की जा सकती, ठीक है। हर मैनेजर के नीचे आपको पता है मल्टीपल सुपरवाइजर होंगे जिनसे वो अमली तौर पर काम ले रहा होगा, सुपरवाइजर के नीचे भी इंप्लॉयज होते हैं जो काम को सर अंजाम देते होते हैं। तो इस तरह बेसिकली टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है। अभी तक हमें बात यह समझ है कि टॉप मैनेजमेंट है जिसके हाथ में बजट है, वो बजट एलोकेशन करती हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करती हैं, पैसा लगाती हैं, इसलिए पैसा लगाती हैं कि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। उस गोल्स को अचीव करने के लिए उनको एक कॉम्पिटेंट टीम चाहिए जो इम्प्लीमेंटेशन करवा सके। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली ये मिडल मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स ही करवाते हैं जो कि डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं। अब एक टॉपिक है आपके सामने, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमिसेस। जॉइंट ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमिसेस के वर्ड से आपको क्या समझ में आती है? व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमिसेस? देखिए, जॉइंट ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर का मतलब है कि एक ही जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, जॉइंट ऑक्यूपायर्स हैं। और प्रीमिसेस मतलब एक हदूद के अंदर दो या दो से ज्यादा कंपनीज अगर काम कर रही हों तो उनकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, ठीक। आमिर भाई आप जरा इस पर डिस्कस करेंगे कि अगर दो कंपनियां एक जगह काम कर रही हैं, ठीक है, तो क्या जिम्मेदारियां उनपे होंगी दोनों कंपनी को, उनके वर्कर्स के हवाले से, काम के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, आपके ख्याल में? मतलब सर एक ही जगह पे दो कंपनी अगर काम कर रही हैं, जी दो कंपनी एक ही प्रीमिसेस में एक ही हदूद में काम कर रही है, एक कंपनी लिफ्टिंग का काम करती है, एक कंपनी वहीं पे इलेक्ट्रिकल का काम कर रही है। सबसे पहले तो सर दोनों की जिम्मेदारी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वर्कर के लिहाज से, क्योंकि आया कि वर्क प्लेस के ऊपर एट अ टाइम में अगर दो एक्टिविटी हो रही है तो उसमें अगर लिफ्टिंग वाला काम एट अ टाइम हो रहा है या दूसरा मिसाल के तौर पे अदर एक्टिविटीज हो रही है अदर, तो सबसे पहले तो सर दोनों कंपनियों को वर्कर के हवाले से देखना होगा कि यहाँ पे हजर्स क्या क्या है, ठीक हो गया सर? यानी मतलब आया कि देखें, इसमें जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं ना, टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी आपके टॉपिक को अगर हेडिंग को आप देखो तो उसी में क्लियर है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी वो आपस में जिम्मेदारियां शेयर करेंगे। और जिम्मेदारियां कैसे शेयर होगी? जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, जब अगर आमिर भाई की कंपनी है, राव भाई की और हमारे साथ जाकिर भाई हैं, आप तीनों की कंपनीज हैं, आप एक ही जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि आमिर भाई की कंपनी के जो हैजर्ड्स हैं वो राव भाई की कंपनी के लोगों को भी इफेक्ट करेंगे और जाकिर भाई की कंपनी को भी इफेक्ट करेंगे, क्योंकि आप एक ही जगह काम कर रहे हैं ना। तो सिर्फ आपने जो रिस्क असेसमेंट या प्रोसीजर्स बनाने हैं वो अपने तक नहीं रखने, बाकी दोनों कंपनीज के साथ भी शेयर करने, राइट। और इसी तरह बाकी कंपनी की जिम्मेदारी है कि उनकी कंपनी में जो हैजर्ड्स हैं उन पे जो उन्होंने रिस्क असेसमेंट बनाई है वो आपके साथ भी शेयर करे, क्योंकि आप एक जगह पे काम कर रहे हैं तो एक बंदे, एक कंपनी के जो हैजर्ड्स हैं वो दूसरी कंपनी को भी इफेक्ट करेंगे, उनके एम्प्लॉयज को भी इफेक्ट करेंगे, ठीक है, उनकी भी जिंदगी खतरे में उस वजह से होगी। तो व्हाट दे वुड डू, वो रिस्क असेसमेंट शेयर करेंगे आपस में, वर्क परमिट टू वर्क सिस्टम प्रोसीजर शेयर करेंगे, अगर इन केस इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी की सूरत में क्या करना है, इमरजेंसी प्रोसीजर शेयर करेंगे, ठीक है। फिर इनकी मीटिंग्स होंगी जिनको कहते हैं जॉइंट स्टाफ कमेटी मीटिंग्स या सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स,
तो सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स में क्या होगा, आप भी, आपकी मैनेजमेंट, राव भाई की मैनेजमेंट, जाकिर भाई की मैनेजमेंट एक जगह इकट्ठी होगी, बैठ के डिस्कशन करेंगे, बताएंगे कि हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हैजर्ड्स हैं, क्या इमरजेंसी प्रोसीजर अडॉप्ट होते हैं, ताकि हर कंपनी दूसरी कंपनी के हवाले से जो हैजर्ड्स मौजूद हैं उनसे अवेयरनेस उनको हो, वो अवेयर हों कि यार इस जगह पे काम करते ये हैजर्ड्स हमें दरपेश हो सकते हैं, उनके लिए ये कंट्रोल मेजर दूसरी कंपनी ने लगाए हैं तो हमें भी ये कंट्रोल मेजर अडॉप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, एक दफा ये सामने आपके पैराग्राफ, इसको रीड आउट कर लें, ज्यादा क्लैरिटी से समझ आ जाएगी बात। ठीक है भैया, ये इन्फॉर्मेशन, प्रोसीजर, हर तरह का प्रोसीजर शेयर होगा, रिस्क असेसमेंट शेयर होगी, और मीटिंग्स में वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे। अच्छा, अगला बड़ा मजे का टॉपिक है, ये टॉपिक इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा उसमें ज्यादातर इसी तरह बताया गया होगा कि कंपनी है, उस कंपनी में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्टर्स काम कर रहे हैं, और उधर ये सिनेरियो है, और उसके मुताबिक फिर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपका जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के हवाले से या कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के हवाले से। मुझे बताएं, पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, हु इज कॉन्ट्रैक्टर, हु इज क्लाइंट। अगर आप अपने घर का काम करवाते हैं, इवन आप कंपनीज में काम करते हैं, तो दो पार्टीज हमेशा होती हैं, एक काम करवाने वाली पार्टी होती है, एक काम करने वाली पार्टी होती है। जो काम करवा रही होती है, जैसे कि अगर आप अपने घर का ठेका अपने किसी ठेकेदार को दिया हुआ है कि घर की कंस्ट्रक्शन करवाएं, तो काम करने वाली पार्टी को क्या इंटरेस्ट है कि उसको उसकी मर्जी के मुताबिक सर्विसेज मिलें। ठीक है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर पार्टी का क्या इंटरेस्ट है कि वो अपनी सर्विसेज देने के बदले में कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल करे। ठीक है, अपने फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए वो वहां पे काम करेगा। जब कॉन्ट्रैक्टर पार्टी वहां पे काम करती है क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट ऑब्वियसली अपनी मर्जी चलाता है, क्लाइंट के चाहता है कि मैं तो पैसा लगा रहा हूं तो मेरी मर्जी के मुताबिक काम हो। तो क्लाइंट ये जरूर चाहेगा, अगर सेफ्टी से रिगार्डिंग बात करूं तो क्लाइंट ये जरूर चाहेगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर पार्टी मेरी साइड पे काम करती है वो सेफली काम करे, क्योंकि ये उसके अपने इंटरेस्ट में है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर पार्टी सही तरह से काम नहीं करेगी, ठीक है, और कोई इंजरी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, आग लग जाती है, गैस लीकेज हो जाती है, तो उस सूरत में नुकसान किसको होगा? क्लाइंट को होगा, क्योंकि क्लाइंट की जगह पे काम हो रहा है, उनके लोग भी इंजर्ड होंगे, उनके प्लांट इक्विपमेंट को भी डैमेज पहुंचेगा। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर का। आपने कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। किसी भी क्लाइंट ने अगर कोई डिसाइड किया कि हमें साइट पे ये काम चाहिए, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताएं कि कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करते हुए अगर आप किसी आपकी कंपनी है और आप अपनी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्टर में किन खूबियों को आप देखेंगे कि ये खूबी इस कॉन्ट्रैक्टर में होनी चाहिए, तब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। राव भाई, राव सावा भाई, आवाज आ रही है तो आप शेयर कीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे क्लाइंट। नहीं आ रही तो आमिर भाई आप बता दें। आपने बोले तो सर। जी 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 सर, बताएं बताएं। जी सर बोले, नहीं बताएं आप। जी सर, क्लाइंट तो सबसे पहले यही चाहेगा कि मैं जिस कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर रहा हूँ उस अपना उसका मार्केट के अंदर क्या है, उसका उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद जो वर्कर है वो कितने स्किल्स हैं या वो कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है,
और एचईसी के मतलब सेफ्टी के मतलब सर इधर कोई भी अगर काम करता है तो वो पिछले प्रोजेक्ट को देखते हैं कि ये कैसा काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज एक है कि सर कि ये मार्केट के अंदर ये कंपनी रजिस्टर्ड भी है। जाकिर भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपके ख्याल में एक कॉन्ट्रैक्टर को जब सेलेक्ट किया जाता है तो क्लाइंट को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? जाकिर भाई क्या हो गया? जामिर भाई का बोलने का है प्लान, बाकी सब गूंगे बन के बैठे हैं। चलें कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए जब कॉन्ट्रैक्टर को हमने मैनेज करना होता है या चलाना होता है तो हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है, बाकी लड़कों को देखो चलाने के लिए। वो स्टेजेस क्या हैं हमारे पास? हमने सबसे पहले ये देखना है कि यार हम सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर कैसे करेंगे, जैसा कि अभी आपने डिस्कशन की, हम पॉइंट्स देख भी लेते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है कि हम प्लानिंग काम की कैसे करेंगे। प्लानिंग का क्या मुराद है कि अब आपने कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने उससे काम करवाना है तो उस काम की प्लानिंग आप देखोगे कैसे करते हो, उस काम को कोऑर्डिनेट कैसे करोगे। क्योंकि आपको भी पता है आमिर भाई के साइड पे जब काम हो रहा होता है तो मल्टीपल एक्टिविटीज चल रही होती है, ऐसे ही है, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स या नंबर ऑफ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, आपस में जो कुछ ऐसी आपके पास एक्टिविटीज भी होती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जाती है। और कोऑर्डिनेशन कैसे की जाती है? थ्रू परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट को इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे हर साइट को, हर एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है, पता होता है कि इस साइट पे ये काम हो रहा है और इस परमिट के अंडर हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन की जाती है। और लास्टली आपसे अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, क्लाइंट से अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने रब्ता किया और उसको उसने हायर कर लिया है और प्लानिंग भी कर ली है काम की, कोऑर्डिनेशन भी चल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको उसकी मर्जी पे छोड़ दो। कॉन्ट्रैक्टर को उस पर नजर भी रखी जाती है, उसको मॉनिटर भी किया जाता है कि क्या जो हमारा मेथड स्टेटमेंट में एग्रीड वे ऑफ वर्किंग था उस पर काम हो रहा है कि उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, SPCM, सिलेक्शन ऑफ एस फॉर सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, पी फॉर प्लानिंग द वर्क, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क, एंड एम फॉर मॉनिटर एंड मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द वर्क। सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर की अभी हमने डिस्कशन की है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करते हो आप उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी से लेकर हर किस्म का प्रीवियस रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो, क्योंकि यह आपके अपने इंटरेस्ट में है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर आप रखते हो वो आपकी कंपनी में आके काम करे तो उसके पास हर तरह की सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन हो, जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी उसकी कैसी है प्रीवियस कंपनी में जहाँ पे काम किया था, क्या उसकी रिस्क असेसमेंट इतनी इफेक्टिव होती है, क्वालिटी की बनी होती है, क्या उसका जो स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट है, वेल ट्रेंड है, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रेंड और कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपका काम भी इफेक्ट होगा। फिर किसी किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेम्बरशिप होनी चाहिए, जैसे कि ISO है, जैसे कि ILO है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप से क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है मार्केट में कि ये कंपनी जो है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मेंबरशिप तब तक नहीं देगी जब तक आप उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे, पूरा नहीं उतरेंगे, ठीक है। तो जो कंपनी, जो क्लाइंट कंपनी आपको प्रोजेक्ट दे रही होती है वो भी आपकी ये मेंबरशिप के रिकॉर्ड्स देखती है। आप जो इक्विपमेंट, बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर आप काम करोगे ऑब्वियसली आप कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल करोगे, तो वो इक्विपमेंट कैसा है, किस टाइप का है, उसकी मेंटेनेंस आप करते हो नहीं करते हो, मेंटेनेंस किस से कराते हो, थर्ड पार्टी से ऑब्वियसली कराते हो, तो वो थर्ड पार्टी जिसे आप मेंटेनेंस करवा रहे हो वो कितनी क्रेडिबल है, क्या वो उसकी मार्केट में वर्थ है कि नहीं है, ये चीज भी देखी जाती है। फिर आमिर भाई ने शायद ये बात की थी कि आप प्रीवियस या करंट क्लाइंट से भी रिव्यू लेते हो कि जिन प्रीवियस और करंट क्लाइंट के साथ काम करे हैं वो कैसे क्लाइंट्स हैं और वो क्या खुश हैं कॉन्ट्रैक्टर के काम से, कोई कॉन्ट्रैक्टर का प्रीवियस एक्सीडेंट रिकॉर्ड क्या है, क्या पहले हादसे तो नहीं हो चुके, लोगों को इंजरीज तो नहीं आ चुकी, या प्लांट इक्विपमेंट डैमेज तो नहीं ज्यादा हुआ, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हुई, इन्फोर्समेंट एक्शन जो लिखा हुआ है का मतलब है कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई अगर कानूनी कार्रवाई हुई है तो किस नोयत की हुई है, ठीक है।
क्योंकि कानूनी कार्रवाई कब होगी, जब ये ब्रीच ऑफ लॉ करेंगे, कानून को तोड़ेंगे, सेफ्टी को, हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो नहीं करेंगे, तभी इन्फोर्समेंट एक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने काम करवाना है कॉन्ट्रेक्टर से, तो कॉन्ट्रेक्टर के पास इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स यानी बंदे इतने होने चाहिए जो आपका काम है वो पूरा कर सकें, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा इतना होना चाहिए, इक्विपमेंट ऐसे होने चाहिए जो आपके काम को करवा भी सकेंगे। उसके बाद जो प्लानिंग का फेज है, प्लानिंग में आप क्या करते हो, काम सिलेक्ट हो गया कॉन्ट्रेक्टर, प्लानिंग में आप ये देखते हो कि यार हमने ये जो काम करना है, एक्टिविटी करने वाले हैं, इस एक्टिविटी में क्या हैजर्ड्स हैं। अब ऑब्वियसली क्लाइंट की प्लांट एरिया में कोई कंपनी काम कर रही है, तो क्लाइंट के भी, अपनी कंपनी के भी कुछ हैजर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे हैजर्ड्स होंगे जो कॉन्ट्रेक्टर की काम की वजह से वहां पे इंट्रोड्यूस होंगे। तो उसके लिए क्या इफेक्टिवनेस की जाती है, किस तरह से इस काम को बेहतर किया जाता है, अच्छी क्वालिटी रिस्क असेसमेंट बनाई जाती है, अच्छी क्वालिटी मैथड स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। मैथड स्टेटमेंट से मुराद क्या होता है, एग्रीड वे ऑफ वर्किंग बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रेक्टर, यानी ये काम करने का एग्रीड तरीकेकार होता है, जिसपे क्लाइंट भी अग्री होता है कि हाँ ये वाला काम इस तरीके कार से किया जाएगा, और कॉन्ट्रेक्टर भी अग्री होता है। जबकि रिस्क असेसमेंट क्या है, वो जो काम करने का एग्रीमेंट हमारा हुआ है क्लाइंट और कॉन्ट्रेक्टर का, उसी काम के हवाले से हम सारे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके सूटेबल एंड सफिशियंट कंट्रोल में ये लगाते हैं, ताकि काम करने के दौरान प्लांट को, इक्विपमेंट को, पर्सन को, इन्वायरमेंट को, प्लेस ऑफ वर्क को किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन से मुराद क्या है कि आप आपस में किस तरह से चलते हो, क्लाइंट और कॉन्ट्रेक्टर, क्या आपस में आपकी काम की कोऑर्डिनेशन है, रेंडमली काम तो नहीं होता, कोऑर्डिनेशन इंश्योर ही परमिट से होती है। परमिट टू वर्क सिस्टम क्या करता है कि काम करने की आपको प्रॉपर इजाजत लेनी पड़ती है। ठीक है, किससे इजाजत लेनी पड़ती है, कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहा है ना, तो कॉन्ट्रेक्टर को क्लाइंट से इजाजत लेनी होगी, और वो उसके लिए प्रॉपर परमिट टू वर्क सिस्टम होता है, एक पूरा पेज होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन साथ मेंटेन की जाती है, जो आप कॉन्ट्रेक्टर पार्टी है वो क्लाइंट के पास जाके परमिट लेती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट कराती है। परमिट के बारे में आमिर भाई थोड़े से डिस्कस करें, किस तरह से परमिट इम्प्लीमेंट होता है। सर जी, सबसे पहले तो मतलब के काम की नौइयत को देखा जाएगा कि हमने काम किस नौइयत का करना है। मिसाल के तौर पे हमने अगर लिफ्टिंग का परमिट लेना है तो उसके साथ हमारा कोल्ड वर्क भी लगेगा, क्यों हो गया। अगर हमने हाइट का काम करना है तो उसके साथ हमारा वर्क एट हाइट का परमिट अटैच होता है। ठीक है सर, ये मतलब के वर्क प्लेस के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से काम की नौइयत के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस चीज का परमिट चाहिए। सही है, और परमिट से हम, परमिट में हम हर तरह के हैजर्ड को आइडेंटिफाई करके उसके कंट्रोल मेजर्स ले रहे होते हैं ना, तो इसीलिए और फिर ये भी देख रहे होते हैं जब परमिट लेने जाते हैं, परमिट इश्यूअर ये देख, जो इश्यू करने वाला था यानी क्लाइंट की जो पार्टी वाला बंदा है, वो ये देखता है लाजमी के जिस जगह पे ये काम करने लगे हैं उस जगह पे पहले से तो कोई एक्टिविटी नहीं चल रही। ठीक है, ताकि जो एक्टिविटीज है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें आपस में, एक टाइम पे आप दो एक्टिविटीज एक जगह पे ना कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने खुदाई करनी थी, आपकी कंपनी का काम था एक्सकवेशन करने का, और दूसरी एक और कंपनी है जिसने अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछानी थी, वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन वाली जो कंपनी है वो पहले पहुंच गई है और आप बाद में पहुंचे हो खुदाई करने के लिए, तो ऑब्वियसली इश्यूअर ये देखेगा कि जिस जगह पे ये जा रहे हैं वहां पे एक्सकवेशन का काम हुआ है कि नहीं हुआ, बाद में ही वो पाइपलाइन बिछा सकेंगे ना, जब तक एक्सकवेशन नहीं होगी, खुदाई नहीं होगी, तो वो पाइपलाइन कहां से बिछाएंगे। जैसे हमारा यहाँ पाइपिंग का काम हो रहा है तो उसको सपोर्ट लगाने के लिए स्कैफोल्डर्स की जरूरत पड़ती है, स्कैफोल्डिंग टीम और पाइपिंग टीम दोनों मिलकर काम करती है, और साथ वो जो पाइप को होल्ड किया होता है वो क्रेन ने किया होता है, रिगिंग टीम भी साथ काम कर रही होती है, दो तीन एक्टिविटीज मिलकर फिर ये ऐसे भी समटाइम्स चलता है। नहीं ये तो चलता है ना, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज है कॉन्फ्लिक्ट का, इंश्योरिंग एक्टिविटीज डोंट कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज हमने एक जगह नहीं होने देते। मैंने इसलिए एग्जांपल आपको दी है, मैंने आपको एग्जांपल ऐसी दी है कि आप एक्सकवेशन हुई नहीं है और वहां पे पाइपलाइन बिछाने चले गए, तो पहले एक्सकवेशन होगी तो पाइपलाइन बिछेगी ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ काम तो इसको जो आप काम कह रहे हो उसको कहते हैं सिमोप, साइमल्टेनियस ऑपरेशंस। ठीक है, साइमल्टेनियस ऑपरेशंस भी हमें जरूरत होते हैं, एक क्या हमें 10-10 एक्टिविटी साथ साथ करवानी पड़ती है साइड पे, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होती। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिसके एक एक्टिविटी से दूसरी को खतरा हो।
ये ऐसी एक्टिविटी नहीं होती कि एक पहले जिसकी जैसे आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जिसको पढ़ के आप अगला सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है? बिल्कुल। तो ये प्री रिक्विजिट देखा जाता है कि यार ये काम हुआ है इसके बाद ही ये काम होगा, तो ईश्वर इस चीज को मैनेज कर रहा होता है। फिर कुछ क्लाइंट अपना काम हो सकता है वहां पे कर रहा हो, क्लाइंट की अपनी एक्टिविटीज ऐसी चल रही हो, नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज जिसको क्लाइंट डिस्टर्ब ना करना चाहता हो, तो वो आपको टाइम देगा कि यार हम तब तक अपने काम को मैनेज कर लेंगे, ये परमिट आज नहीं होगा, ये 2 दिन बाद होगा, ठीक है? तो ऐसी एक्टिविटीज जिनमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है उसकी आपस में कोऑर्डिनेशन की जाती है, और क्योंकि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स एट अ टाइम साइट पे काम कर रहे होते हैं तो ये इसी तरह परमिट टू वर्क सिस्टम से ही ईश्वर को पता लगता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर किस जगह पे क्या काम कर रहा है और उसके मुताबिक वो परमिट किस किस को इशू कर सकता है और किसको इशू नहीं कर सकता। लास्टली आपके पास आता है मॉनिटरिंग। देखिए कोई भी काम है सिर्फ कह देना प्रोसीजर बना देना इनफ नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट स्टेप जरूर है। आपने आपको तसल्ली तब होती है जब आप खुद मॉनिटर करते हो, जाके देखते हो। आप किसी ठेकेदार को घर बनाने के लिए दे देते हो, पैसे दे देते हो, सब इकदाम कर लेते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप घर टांग पर टांग रख के बैठ जाते हो। आप क्या करते हो, जाके देखते रहते हो, रोजाना नजर रखते हो काम सही हो रहा है, प्लस्तर सही हो रहा है, ईंटें सही लग रही हैं, पेंट अगर का काम दिया पेंटिंग सही हो रही है, और अगर टाइल्स का काम दिया टाइल्स सही बिठा रहा है कि नहीं बिठा रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ होता है अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसको इंश्योर कर रहे होते हो कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज हैं वो एज इट इज फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है? तो दैट्स हाउ यू मैनेज। आप देख आपका अगर कॉन्ट्रैक्टर आपकी जो एग्रीड मेथड स्टेटमेंट उसको फॉलो करे वेल एंड गुड, तो आप उसको कहोगे अप्रिशिएट करोगे, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो आप क्या करोगे, क्लाइंट को ये पूरा इख्तियार होता है, वो किसी भी टाइम काम को रुकवा सकता है जिस काम को वो समझता है कि ये अनसेफ प्रैक्टिसेस हो रही है, ये अनसेफ काम हो रहा है, ठीक है? अच्छा लास्टली आपके पास एक्सरसाइज है जो हमने अभी तक की है चीजें, तो मुझे बताएं पहला आपके पास क्वेश्चन है, टू हूम डज एन एम्प्लॉयर ओ अ ड्यूटी विथ रिगार्ड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग किस किस का रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ एंड सेफ्टी करने का। तो एक तो अपने एम्प्लॉयज का रिस्पॉन्सिबल है कि उनकी उसने हेल्थ एंड सेफ्टी करनी है, उसके अलावा किन किन लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना होता है एम्प्लॉयर ने? सर वो जो क्लाइंट्स की प्रेमिसेस यानी कि जिस एरिया में प्रेमिसेस, क्या राव भाई आवाज नहीं आ रही आपकी? आमिर भाई आप बोले सर। देखिए काफी दफा ये बात हमारी डिस्कस भी हुई है सर, सेफ्टी का जाता है कि सबसे पहले वो अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी का ख्याल रखेगा, फिर उधर कोई विजिटर आ रहे होंगे उनकी सेफ्टी का भी उसने ख्याल रखना है, कोई कॉन्ट्रैक्टर का बंदा आ गया है तो कॉन्ट्रैक्ट की सेफ्टी का बंदा ख्याल भी रखना है, उसके अलावा फिर आपके पास अगर कोई स्पेशल कैटेगरी मैन्युफैक्चरर आ गया है मैन्युफैक्चरर की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, जनरल पब्लिक अगर वहां पे मेंबर ऑफ द पब्लिक कोई आसपास है तो उसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। तो अपने एम्प्लॉयज का तो रखना ही रखना है, जो विजिटर्स हैं कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वहां के विजिट करते हैं, कोई जनरल मेंबर ऑफ द पब्लिक है तो उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर्स मतलब जो टॉप मैनेजमेंट टॉप टीयर मैनेजमेंट है, वो किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं? जी जरा किस तरह करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्फ्लुएंस? आमिर भाई जी सर, टॉप मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरह इन्फ्लुएंस करती है? इन्फ्लुएंस मीन सर मतलब असर अंदाज किस तरह होती है, किस तरह मुअसर काम लेती है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग? सबसे पहले तो प्लानिंग बन देखे जी सर, इन्फ्लुएंस का मतलब है कि वो किस तरह से क्या ऐसे इख्तियारात हैं उनके पास जिसकी वजह से वो कंपनी पे अपना असर रसूख बिठाती है, तो इस तरह इफेक्ट करती है कि भाई टॉप मैनेजमेंट के पास ही सारा पैसा है, ठीक है, लोगों को हायर भी इन्होंने करना है, लोगों को उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इन्होंने बतानी है, इन्होंने ही इंश्योर करना है कि कॉम्पिटेंट लोग हायर हों,
इन्होंने इंश्योर करना है कि जो मैनेजर हायर कर रहे हैं वो भी सेफ्टी के रिगार्डिंग अवेयरनेस रखते हो, ट्रेनिंग रखते हो। तो जो आपका टॉप डायरेक्टर है अगर वही कमिटेड नहीं होगा या अपनी लीडरशिप शो नहीं कराएगा, कमिटमेंट से मुराद है वो पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है सेफ्टी में टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, या वो इसको बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देता सेफ्टी को, तो ऑब्वियसली आपकी सेफ्टी इंश्योर नहीं होगी। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी आपके टॉप मैनेजमेंट से कमिटमेंट शो होनी चाहिए, वो अपनी लीडरशिप स्किल्स शो करवाएंगे, रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, प्रोसीजर्स डेवलप करवाएंगे, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे और क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे, कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करेंगे बजाय इनकम्पिटेंट लोगों को हायर करना। क्लियर है? वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनाब डिस्कस की थी हमने बड़ी डिटेल में, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्कर की? वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब तीन चार चीजें हमने इसके ऊपर डिस्कस की थी। सबसे पहले तो सर वर्कर मतलब के अपना अपने अपना ख्याल रखे और दूसरों का ख्याल रखे, अपना ख्याल रखे और उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हिमसेल्फ एंड द वर्कर्स वर्किंग अराउंड हिम। यस सर। और वर्क प्लेस के ऊपर कोई भी अगर अपना हैजर्ड है तो उसके मुतल्लिक अपने एचएससी डिपार्टमेंट को या अपने सुपरवाइजर को इतला करे उस चीज की, ठीक हो गया। उसके अलावा सर मतलब के साइट के ऊपर अगर एनीवन कोई भी काम कर रहा है तो 100% टाई ऑफ को, ठीक है। और उसके अलावा मतलब के प्रॉपर गाइडलाइन टाई ऑफ से को आप स्पेसिफाई कर देते हैं, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, तो आपको यूं बताना चाहिए कि हर किस्म के हैजर्ड को आइडेंटिफाई करे और रिपोर्ट करे, कोई भी हादसा देखता है उसको रिपोर्ट करे, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, इक्विपमेंट को सेफली यूज करे, ये चीजें, ठीक है। अभी ये टाइम खत्म हो रहा है तो आप लोग रीजॉइन करेंगे, ठीक है, इसी लिंक से दोबारा रीजॉइन करें, लास्ट मिनट चल रहा है तो फिर हम दोबारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं।